इमामवाड़ा थाना अंतर्गत चंदन नगर में एक 19 वर्षीय युवती का अपहरण होने की जानकारी ने पुलिस सूत्रों ने दी है। अपहरण की घटना के बाद इमामवाड़ा पुलिस और कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। शहर में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। शहर के इमामवाड़ा थाना क्षेत्र के चंदन नगर इलाके की 19 वर्षीय युवती का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। युवती मॉर्निंग वॉक से घर जा रही थी, तभी कुछ युवकों ने उसे चार पहिया वाहन से अगवा कर लिया। इस बीच आरोपी ने लड़की के परिजनों को फोन कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिजनों ने घटना की सूचना तत्काल इमामवाड़ा पुलिस को दी। पुलिस तुरंत चंदन नगर क्षेत्र में मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को भांपते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि अपहरण का यह नाटक 19 वर्षीय युवती ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से रचा था। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के आरपी मध्ये एक 19 वर्षाच्या मुलीला किडनॅप केल्याची तक्रार सकाळी प्राप्त झाली। सोलापूरने त्या घटनांना फोन करून दिलेली मदत केली। याबाबत माहिती मिळताच पोलीस स्टेशन पोलिसांनी तत्काळ तपास करून जो आरोपींना ताब्यात घेतलेला आणि ती मंजुरी तिथे मिळून आलेली आहे। टोटल डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन याबाबत चालू आहे। दोन आरोपी संशयित आरोपी पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहेत। पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर याची माहिती दिली जाईल। दोन्ही आरोपी हे त्या एरियामधलेच राहणारे आहेत। त्यांची ओळख होती की नाही याच्याबद्दल तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपूर।